थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पे बात करने का अवसर दिया है तो मैं आपकी आभारी हूँ। 125 साल बाद एक रिफॉर्म आ रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। पोस्ट ऑफिस बिल 125 साल बाद आ रहा था, मेरी उम्मीद ये थी कि अगर हम बात करें कि किस तरीके से उसका मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, किस तरीके से हम सर्विसेज को पुख्ता करेंगे, किस तरीके से रीएलोकेशन ऑफ एसेट्स करेंगे, किस तरीके से हम घर घर तक पोस्ट ऑफिस को पहुंचा पाएंगे, ये उम्मीद थी इस बिल के माध्यम से। पर अनफॉर्चुनेटली क्लॉज 9 और क्लॉज 10, मैं मानती हूँ रिफॉर्म के आड़ में हम ऐसे क्लॉजेस डाल रहे हैं जो सर्वेलेंस से कम नहीं है। जिस तरीके से एक महीने पहले मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, जब हमारे फोन्स पे एक मैसेज आया था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस, जिसका मतलब है एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस अटैक हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ है, आज तक मुझे उनकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला है। सेम चीज़ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में सर्वेलेंस, इसके आड़ में सर्वेलेंस। और सर्वेलेंस यहाँ पे क्या इंटरसेप्शन क्या क्या कह रहा है, किस किस चीज़ों पे इंटरसेप्शन कर सकते हैं, अंडर विच रूल्स, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस बिल और एनी अदर लॉज। इमरजेंसी को गाली देने वाले आज इमरजेंसी की आड़ में आपका वो कर सकते हैं, इंटरसेप्शन कर सकते हैं पार्सल्स का। दूसरी चीज क्लॉज नंबर 10 कि कोई लायबिलिटी नहीं है सर्विसेज में, अगर दिक्कत हो, फॉल्ट हो, कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार करके, उस बिल में प्रावधान है। तो इस बिल में हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं देयर विल बी लायबिलिटीज इफ देयर इज लैक ऑफ सर्विसेज। ये मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है कि सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके से लायबिलिटीज डिसाइड होंगी। खुली छूट दी जा रही है डायरेक्टर जनरल साहब को और उनके ऑफिसर्स को कि इंटरसेप्शन के नाम पे वो गुड्स को डैमेज भी कर सकते हैं, लेटर्स खोल सकते हैं, प्रिवेसी का हनन हो सकता है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ मैं लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉजिटिवली इसको लेंगे और इस पर काम करेंगे। पर साथ ही साथ मैं लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ सर, कि सर्वेलेंस हो, इंटरसेप्शन हो, नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ऑपोजिशन को दबाने का काम किया जाए, लोगों को चुप कराने का काम किया जाए, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसको मैं, इन दो क्लॉजेस के अलावा, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसमें किसी तरीके की अमेंडमेंट्स लाई जाएगी। थैंक यू सो मच सर।